भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह आरा सिविल कोर्ट में तलाक की अर्जी मामले में पहुंचे। कुटुंब न्यायालय की न्यायाधीश श्वेता सिंह की कोर्ट में दोनों पति पत्नी के बीच करीब 2 घंटे से ज्यादा देर तक चली रिकाउंसलिंग। दोनों के बीच फिर नहीं बनी बात, वन टाइम सेटलमेंट में पैसे को लेकर रिकाउंसलिंग पर बात बिगड़ी। पवन सिंह के अधिवक्ता ने कहा, वन टाइम सेटलमेंट में हम लोग 1 करोड़ रुपया और नोएडा में दे रहे हैं घर, लेकिन पत्नी ने किया 5 करोड़ रुपये और घर की डिमांड। अब तक तीसरी बार तलाक की अर्जी मामले में भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह फैमिली कोर्ट में हो चुके हैं पेश। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह एक बार फिर तलाक मामले को लेकर आरा सिविल कोर्ट में पेशी के लिए पहुंचे, जहां कुटुंब न्यायालय के न्यायाधीश श्वेता सिंह के समक्ष सुपरस्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह पेश होकर अपनी दलील दी। दोनों के बीच करीब 2 वर्षों से चल रहे तलाक की अर्जी मामले में आज रिकाउंसलिंग थी, जिसको लेकर दोनों लोग कोर्ट भी पहुंचे थे और कई लोग इस आस में भी थे कि तलाक के मामले में आज फैसला हो जाएगा। आज तकरीबन 2 घंटे से ज्यादा वक्त तक पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के बीच कोर्ट रूम के अंदर बातचीत हुई, लेकिन बात फिर नहीं बनी और कोर्ट द्वारा रिकाउंसलिंग नहीं हो पाई। इधर पवन सिंह के अधिवक्ता सुदामा सिंह के माने तो पवन सिंह अपनी पत्नी ज्योति सिंह से वन टाइम सेटलमेंट कर तलाक लेना चाहते हैं। वहीं आज कोर्ट में पवन सिंह की ओर से ज्योति सिंह को 1 करोड़ रुपया और नोएडा में 1 मकान देने की बात कही गई, लेकिन इस पर ज्योति सिंह और उनके परिवार के लोग नहीं माने। वह लोग 5 करोड़ रुपया और नोएडा में मकान की मांग कर रहे हैं, जिस पर पवन सिंह देने से फिलहाल साफ इनकार कर दिया। इसलिए आज कोर्ट में रिकाउंसलिंग की जो प्रोसेस हुई वह विफल हो गई, आगे हम लोग केस लड़ेंगे। जबकि ज्योति सिंह के अधिवक्ता विष्णुधर पांडे ने बताया कि पवन सिंह वन टाइम सेटलमेंट की बात कोर्ट में कही थी, हम लोगों ने उनसे 3 करोड़ रुपए और नोएडा में 1 मकान की डिमांड किए हैं, जिसे वह फिलहाल पूरा करने के लिए राजी नहीं हो रहे हैं। ज्योति सिंह अभी भी पवन सिंह के साथ रहना चाहती है, लेकिन पवन सिंह ज्योति सिंह को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए अब कोर्ट के फैसले पर सबकी निगाह है। आपको बता दें कि भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह के द्वारा अपनी पत्नी ज्योति सिंह से तलाक की अर्जी मामले में अब तक आरा सिविल कोर्ट स्थित कुटुंब न्यायालय में 3 बार पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह पेश हो चुकी हैं। पिछली बार जब इस मामले में 27 सितंबर, 28 अप्रैल और 26 मई को कोर्ट में पवन सिंह को हाजिर होने के लिए आदेश दिया गया था, जिसके बाद आज सुबह फिर से दोनों कोर्ट पहुंचे। पवन सिंह के साथ उनके समर्थक भी काफी संख्या में मौजूद रहे, जबकि पत्नी ज्योति सिंह भी अपने वकील और परिवार के साथ दिखे। दोनों को देखने के बाद कोर्ट में और बाहर काफी संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई थी, जबकि ज्ञात हो कि पवन सिंह ने ज्योति सिंह से दूसरी शादी की है। 2018 में यूपी के बलिया के रहने वाली ज्योति से उनकी शादी हुई थी। पहली पत्नी ने फांसी लगाकर जान दे दी थी। अभी ज्योति सिंह बीते कई महीने से अपने मायके में रह रही है। पवन सिंह अपने पैतृक गाँव आरा की जोकहरी से बारात लेकर गए थे। अब रिश्तों में खटास के बाद बात कोर्ट तक पहुँच गई है। आज इस मामले पर सुनवाई हो रही है। दोनों लोग के बीच में रिकंसिलेशन के लिए बुलाया गया था, रिकंसिलेशन फेल हो गया। क्या डिमांड की जा रही थी? वो लोग 5 करोड़ रुपया का डिमांड कर रहा था और हमारे क्लाइंट के तरफ से 1 करोड़ रुपया दिया जा रहा था, फेल हो गया। अब आगे ट्रायल होगा, ट्रायल में जो निर्णय होगा। ज्योति सिंह के जो वकील है उनका कहना है कि वन टाइम सेटलमेंट की बात हुई है और उनके द्वारा मैंने पवन सिंह के द्वारा रखा गया है, जिसमें 3 करोड़ रुपए ज्योति सिंह के वकील ने कहा है कि 3 करोड़ रुपया और नोएडा में एक फ्लैट चाहिए। 5 करोड़ रुपए की मांग कर रही थी, आपको स्पष्ट शब्द में मैं कह दिया। इसके बाद काफी न्यायाधीश महोदय के समझाने बुझाने पर उन्होंने एक नोएडा में मकान और तब कहने लगी कि 3 करोड़ रुपया चाहिए। तो क्या दिक्कत है? हमारे सामने जो परेशानी है उसके मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने 1 करोड़ रुपया उनको देने के लिए तैयार है। तो आज भी रिकंसिलेशन फेल हो गया। अब आगे ट्रायल होगा, दोनों पक्ष गवाही होगी, जो निर्णय होगा वो निर्णय होगा। लेकिन बार बार ज्योति सिंह कह रही है कि हम पवन सिंह के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन वो ये सब गलत बात है। ये सब गलत बात हमने देखा, ये आप लोगों के सामने कहती है। ज्योति सिंह सिंदूर भी लगा के आई थी आज। सिंदूर तो लगाएंगी ना, पवन सिंह तो अभी है ही ना, तो हिंदू धर्म के नाते तो सिंदूर लगाना है। मैंने मान रहे हैं आप भी कि पवन सिंह की पत्नी अभी ये है? अभी तो है, जब तलाक हो जाएगा तब न कहा जाएगा, अभी तो है ही। इसको कैसे सिंह भी रहना चाहती है पवन के ना? कभी भी नहीं हो गया। सुदामा सिंह बात हुआ, उन लोग का था 1 करोड़ रुपया ले लीजिए, तो हम
मैंने पवन सिंह तरफ से, तो हम लोग का हुआ जो नहीं साहब, मैंने हम लोगों को एक नोएडा में फ्लैट दे दीजिए और 3 करोड़ रुपया दे दिए, आपने तो हमको कहीं के लिए भी नहीं छोड़ा है, हम तो कहीं निकल के चल भी नहीं सकते हैं, ताकि लोग कहेंगे जी देखिए ये पवनवा के मेहरुआ छोड़ दिले, तो ये सब बात हुआ उसमें आपस में बैठ के। क्या बोले पवन सिंह, क्या बोले? तो पवन सिंह कुछ नहीं बोला, लेकिन हम लोग अपना केस लड़ेंगे, हम लोग यही सोचे केस लड़ेंगे। मैंने आप लोग वन टाइम सेटलमेंट की बात रखे हैं? उधर से रखा गया था, तो हम लोगों ने कहा जी नहीं 1 करोड़ पर वन टाइम सेटलमेंट पर नहीं मारेंगे, हमको नोएडा में फ्लैट दीजिए 3 करोड़ रुपया दीजिए तब मानेंगे हम, और नहीं तो जहाँ घर है वहाँ हमको रखिए, अपने घर में रखिए। उसके बाद हुआ, वो लड़की बोली जे साहब हमको तो कहीं का नहीं छोड़ दिए हैं, हम तो कहीं निकल के रास्ते पर चल भी नहीं सकते हैं। क्या पवन सिंह रखने के लिए तैयार हैं? जी नहीं, जी नहीं, अब तो छोड़ा छोड़े लपाते तो रखेंगे, कंटेस्ट होगा, अब कंटेस्ट होगा मुकदमे में। ठीक है, क्या नाम हुआ सर आपका? विष्णुधर पांडे। मैडम आप क्या कौन सी पत्नी ज्योति सिंह के हाथ में आते हैं?